हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुनील खान ब्लॉग वाला, लेकर आया फिर से एक नया ब्लॉग। अभी मैं मौजूद हूं पालकी की नगर पालिका में और यहां पर चल रहे हैं MLC चुनाव के लिए वोटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां पर हो रही है वोटिंग MLC नगर पालिका परिषद में। ये एक इकलौता बनाया गया बूथ है जहाँ पर वोटिंग हो रही है इस समय MLC चुनाव के लिए, और साथ में लगे हुए हैं पास में यहाँ बने हुए हैं मतदान स्थल। जैसे कि उसके अलावा एक सपा का स्टॉल लगा हुआ है, एक भाजपा का स्टॉल, करीब में मैं आपको यहाँ से और दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में जालौन, झांसी और ललितपुर, ये क्षेत्र पर चुनाव होने वाला है। और इस क्षेत्र में चुनाव के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल जो वोट पड़ने वाले हैं वो 3825 के लगभग है, और 3825 में जालौन में ओनली पड़ने वाले वोट हैं 1411। मैं आपको इस तरीके की वोटिंग जो पड़ने वाली है मैं बताऊंगा किस तरीके से कैसी चीज़ें होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ स्टॉल सपा प्रत्याशी का, और यहाँ पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है सपा और भाजपा में, और ये अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। ओनली 3 प्रत्याशी, एक निर्दलीय है, 2 दलीय है, एक भाजपा से है, एक सपा से है। तो अभी मैंने आपको स्टॉल दिखाया जो अपनी बूथ में लगे हुए सपा से रिलेटेड लोग हैं, यहाँ पर जो हैं अपने बूथ बनाए और इंतजार कर रहे हैं अपने वोटरों का कि किस तरीके के माध्यम से वोट डाले जाए। इस तरीके मैं जाऊँगा भाजपा की तरफ, और जैसे कि सीधी टक्कर भाजपा और सपा में देखने को मिली, इस तरफ स्टार लगा हुआ है सपा का और इस तरफ स्टार लगा हुआ है भाजपा समर्थित लोगों का। और पास में पड़ने वाली है वो नगर पालिका पालकी की। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से सीधी सीधी टक्कर देखी जा रही है भाजपा और सपा में, और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि लोगों को किस तरीके से वोट पड़ाए जाएँ और अपनी तरफ झुकाव किया जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉल के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है और पूरी तरीके की मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये वोट यहाँ पर पड़ने वाली है नगर पालिका पालकी का स्थल है, और यहाँ पे 1411 के लगभग वोटिंग होगी। मैं कैमरा मैन दानिश के साथ खलील खान ब्लॉग वाला, थैंक यू। यूपी के 58 जिलों के 739 बूथों पर 1,20,657 मतदाता MLC चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इस चुनाव में सांसद, विधायक, सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के साथ नगर पालिका के सदस्य, अध्यक्ष, नगर निगम पार्षद, मेयर आदि सभी मतदान करते हैं। विधान परिषद चुनाव में तीनों जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन में 37 बूथ पर मतदान होगा, और 3825 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। झांसी में 16 मध्य स्थलों पर 1395, जालौन में 13 मध्य स्थलों पर 1411 और ललितपुर में 8 मध्य स्थलों पर 1019 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। आज 9 अप्रैल को मतदान हुआ और आज 12 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। इस चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह देखते रहे मेरा ब्लॉग, मैं खलील खान ब्लॉग वाला आपको इसी तरीके से नई नई खबर लेकर